नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। करीब 2 बजे राजेश 21 वर्षीय पुत्र राजा राम जाति और वासी बाजे का सदर थाना सिरसा का रहने वाला है, जो कि कुंदन पुत्र संदीप जाति राजपूत वासी बाजेका के घर में अज्ञात कारणों से घुस गया था। घर वाले जाग गए और राजेश के साथ मारपीट की, जिससे उसके सर पर चोट लगी और परिजन प्राइवेट अस्पताल में लेकर के चले आए। यहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजेश का शव नागरिक अस्पताल सिरसा में पहुंचा दिया गया है और मामला लड़की को लेकर प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से संजीव शर्मा की ये रिपोर्ट। आज हमें इत्तला मिली कि बाजेका गांव में राजेश उर्फ लाला की संदीप खेरी और उसका भाई कुंदन और इसके पिता ने मिलकर अपने घर में हत्या कर दी है, और जिसको सिविल हॉस्पिटल ले आए, अभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उस लोगों का पर्चा दर्ज किया गया है। वजह क्या मौत आपसी पहली पुरानी रंजिश बताई जा रही है, अभी जैसे भी कोई सामने आएगी। आरोपी फरार है जी, रेस्ट है? हाँ, फरार है अभी आरोपी। ये घर रेड की गई है और टीम भी लगाई गई है, शीघ्र गिरफ्तार कर ली जाएगी। और इनको तुरंत सजा हो। आपका क्या लगता है लड़का जी? मेरी मौसी का बेटा है, मरने वाला मेरी मौसी का बेटा है। क्या नाम है जी? मोहनलाल। क्या बात हुई थी? बात ऐसे हुई थी जी, मेरे गांव में सफाई वाले ने मेरे पास, धर्मेंद्र ने फ़ोन किया, भाई आपका एक लड़का पकड़ के बिठा रखा है उन ठाकरों के घर पर, और इस लड़के को लेके जा चुका थी। तो 3:30 बजे फ़ोन आया था, मैं जब गया तो वो लड़का बाहर मकान से बाहर बिठा रखा था, ज़मीन से नीचे पड़ा था। वो मैंने जाके मौके पे देखा तो वो बुरी हालत में था, मृत्यु पहुंचने वाला था, और उन्हीं बंदों ने मारा है, चारों ने, 3 बेटे 1 बाप। उसके अलावा घर में कोई? दोनों। क्या नाम था, कि कौन कौन है जी? वो नाम तो भूल गया। बाप का नाम संदीप था जी। बाप का नाम संदीप, एक का नाम कुंदन, एक का नाम हरी, राजू। कारण क्या बाबू जी? कारण बच्चा पता नहीं, वो बच्ची के साथ पढ़ता है, ये कारण का हमें कोई पता नहीं। जब लड़का पढ़ता था मिली, जब लड़का को अभी आईटीआई कर, नहीं नहीं आप बता, लड़का पढ़ता है जी? हाँ, खैरे का पढ़ता है जी, आईटीआई कर रहा है। अच्छा जी, अब पता नहीं, कोई उसकी तो कोई वो भी नहीं थी। पंचायत मेंबर हूँ, उनके घर के पास ही रहता हूँ। यहाँ ये वाकया हुआ है, मेरे को 2:30 बजे शटर खड़का के बुलाया गया। मैं गया जाके उससे नंबर लेके उसके भाई को फ़ोन किया, काफ़ी उसकी हालत ख़राब थी। तो जब तक वो आए, जब तक हमने डॉक्टर को बुलाया वहाँ चेकअप करने के लिए, फर्स्ट एड दिलवाने के बाद ले जाएंगे, तो डॉक्टर भी कहता है इसमें कुछ नहीं है, तो फिर भी कहता देख लो, अपने संतुष्टि के लिए जाना है तो सिरसा ले जाओ। चोट वगैरह मारी गई है कैसे? चोटें वगैरह तो काफ़ी थी। कौन लोग थे मारने वाले? वही उनके घर के ही है जी, 2 लड़के हैं, एक उसका बाप है, पड़ोसी है, मैं सबको जानता हूँ। एक लड़की थी, ये 3 लड़के हैं उसके, 6 मेंबर हैं, 2 तो ब्याह में गए हुए थे, है नहीं थे घर। 2 लड़के और 1 लड़की और 1 बाप उनका, ये 3-4 बंदे घर थे जब मैं घर गया हूँ। उसके बाद सारे मेंबरों को बुला लिया है, वहाँ 10-12 बंदे इकट्ठे हो गए थे, और इनके घर को सूचना करके बुला लिया था। जब आए ये, उससे पहले हमने डॉक्टर बुला रखा था, वजह नहीं पता लगी, वजह नहीं पता लगी। हमें तो कहा गया था चोरी के लिए, दीवार कूद के आया है चोरी करने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम वकील चंद।